प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल कार्यक्रम किसान की बात लेकर हाजिर हैं आपके दो दोस्त। मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और मेरे साथ हैं अरविंद भारद्वाज। और दोस्तों, हम हमेशा बात करते हैं किसानों की बेहतरी की, उनकी खेती की, बाग बगीचों की, किस तरह के यंत्र उन्हें इस्तेमाल करने चाहिए, किस तरह की तकनीक का उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही उनके पशुओं के बारे में भी। बिल्कुल, क्योंकि पशुधन जो होता है वो किसानों के लिए, हमारे पशुपालकों के लिए बहुत ही अनमोल होता है, क्योंकि पशु पूरी तरह से पशुपालक पर निर्भर करते हैं। उन्हें कुछ भी चाहिए, कुछ भी मदद है, कुछ भी उन्हें अगर परेशानी है तो वो कह नहीं सकते हैं, जता नहीं सकते हैं। तो ऐसे में जो हमारे पशुपालक होते हैं उनकी जो जिम्मेदारी है वो बहुत कई गुना बढ़ जाती है। जी हाँ, और उनके आय का जो स्रोत है वो भी हमारे जो है पशुधनी होते हैं, क्योंकि जो लोग डेयरी फार्मिंग में लगे और अन्य उत्पादों में लगे हुए हैं उनके लिए पशु ही उनका मुख्य उत्पादक है। और इसलिए उनको ठीक रखना, उनकी सेहत को ठीक रखना, उनके खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और परिवार का एक हिस्सा भी होते हैं पशुधन जो है हमारे देश के अंदर, तो उनके अंदर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल चल रही है जिससे कि हमारे पशुधन को काफी जो है तकलीफ हो रही है। और साथ ही खासतौर से बात करें तो गायों को। बिल्कुल, गायों में ये रोग जो है मुख्य रूप से पाया जा रहा है, जिसे लंपी स्किन रोग डिसीज के नाम से हम सभी जानते हैं। और अगर बात करें इसके अरविंद, तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया से शुरू हुआ और इसे लेकर के बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे हमारे जो किसान मित्र हैं या हमारे जो पशुपालक मित्र हैं, उन्हें इसे लेकर बहुत सारे भ्रम भी हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारी जो गाय है उनकी जान को इससे बहुत ज्यादा खतरा है या बहुत ज्यादा नुकसान उसे अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो उनके यही भ्रम दूर करने की कोशिश आज के प्रोग्राम में हमारी रहेगी, जिसे हम लेकर के आए हैं फसल के रंग किसान के संघ के अंतर्गत। जी हां, जिसमें आज हम बात करेंगे पशुओं में लंपी स्किन जो रोग है उसके बारे में जागरूक किसानों और पशुपालकों से हुई ये बातचीत के साथ। नमस्कार, फसल के रंग किसान के संघ के एक नए अंक में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों, आजकल देखा जा रहा है कि पशुओं में लंपी रोग फैल रहा है और यह चिंता का विषय है। आइए कुछ जागरूक पशुपालक किसान मित्रों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस रोग से बचाव के लिए क्या सावधानी रख रहे हैं। नमस्कार जी, मैं जिला धौलपुर राजस्थान से हूँ, नरेश शर्मा, और वेटनरी LSA हूँ, एक किसान भी हूँ। मेरे पास होल्स्टीन और जर्सी और साहिवाल तीन तरह की नस्ल है मेरे पास गाय की। मेरे पास इस समय 5 गाय हैं, 5 गाय दूध की हैं, लंपी। इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो पशु को फीवर होता है 105.6 के समथिंग, और ऐसे ही ये
कैप्रोपॉक्सिया वायरस से होती है ये। इसका दूसरा नाम है निथलिंग वायरस भी कहते हैं इसको, निथलिंग वायरस के नाम से भी इसको जाना जाता है। देसी भाषा में इसको गठिया या गांठदार रोग भी कहा जाता है। पशुओं का बचाव ऐसे जैसे मानो आपने जो अपने कोरोना चला था, कोरोना में प्राथमिकता यही थी कि क्वारंटाइन किया जाए, लोगों को घर से बाहर नहीं निकला है। इसी तरीके से मैंने भी अपने पशुओं को क्वारंटाइन कर रखा है, बाहर भी नहीं निकलता हूँ, एक दूसरे से संपर्क में नहीं ला रहा हूँ बाहर के पशु हैं जो। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का 2-3% का घोल बना के और उसमें सुबह शाम डालता हूँ मैं। उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देसी फॉर्मूला जो मैं जानता हूँ वो दे रहा हूँ उनको, जिसमें कि देसी फॉर्मूला में है अपनी 25 ग्राम हल्दी है, काली मिर्च है 50 ग्राम और 100 ग्राम देसी घी गाय का और 100 ग्राम गुड़, ये मिला के पर डे दे रहा हूँ मैं उनको। लगभग 4 दिन हो गए, 4-5 दिन और दूंगा, 10 दिन के समथिंग दूंगा उनको लड्डू बना के, जिससे कि इनकी इम्यूनिटी बनी रहे। अगर इम्यूनिटी बनी रहेगी तो अमूमन जैसे देखा गया है अपने यहाँ जो गिर गाय है, साहीवाल है, इन पे कम प्रभाव रहता है इनका, क्योंकि अपने इंडिया की जो गाय है ना उसकी इम्यूनिटी काफी अच्छी होती है। जोरदार जी से सरकार का फोकस है कितनी जल्दी इसका वैक्सीन तैयार किया जाए। केंद्र सरकार इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है, राज्य सरकार तो खैर अपने स्तर से करेगी लेकिन केंद्र सरकार का इसका बहुत बड़ा योगदान है। और भी किसान हैं तो उनमें जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया जा रहा है? उनके लिए जैसे मीटिंग वगैरह जैसे रखवा देते हैं अपनी, अभी मैंने अपने गांव में भी रखवाई मीटिंग, 2-4 लोग 10 लोगों को बुलाया बताया, लेकिन मैंने अपने हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब को बुलवाया था, उनसे मैंने जानकारी दिलवाई। तो जागरूकता मेन चीज है, समय जागरूकता फैलाना, क्योंकि इसका सबसे मेन चीज है संक्रामक रोग है ये। मच्छर मक्खी जैसे दूसरी जगह से अगर मेरे यहाँ आ जाते हैं, मेरे यहाँ साफ सफाई नहीं है, गंदगी है, तो 100% होगा। अभी मान लो किसी के पास इतना वो नहीं है कि साहब अपना सोडियम हाइड्रोक्लोराइड लाके और ये घोलन वो करे 2-3% का घोल बना के, तो उसकी जगह पे नीम है, नीम के पत्ते उबाल के उसको और पानी जो भी है ना उसको डाले फर्श पे, सुबह शाम उसमें आग जलाए, नीम के पत्ते जलाए उसमें हरे, तो ये काफी हद तक पशु के लिए सुरक्षित है। मेन चीज है बाहर से अगर इन्फेक्शन नहीं आएगा, वायरल नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। नरेश जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक और पशुपालक किसान मित्र से बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र पाल सिंह है, गांव कथू नंगल, जिला अमृतसर, स्टेट पंजाब। मैं पशुपालन का काम करता हूं। मेरे पास 70 के लगभग एनिमल हैं, छोटे बड़े डाल के। मिल्किंग वाले मेरे पास 40 एनिमल है, 30 एनिमल मेरे पास हीफर है। अच्छा जितेंद्र पाल जी, जब आपके पास में इतने सारे पशु हैं तो अभी देखने में आ रहा है कि लंपी रोग जो है पशुओं में काफी फैल रहा है, तो उसके लिए आप कितने सतर्क और कितनी सावधानी बरत रहे हैं? मैडम लंपी स्किन पहले तो मैडम सतर्क थे, लेकिन सतर्क होने के बावजूद भी हमारे फार्म पे लंपी स्किन आया है और इसमें देखने को मिला है कि सिम्टम इनके अलग अलग है, गांठ पड़ रही है। हम तो सिर्फ गांठ को ही देख रहे हैं, ज्यादा लोगों को यही है गांठ पड़ती है यही लंपी है। तो देखने में यह है जिस हम ज्यादा लोगों को जिस पे गांठ पड़ रही है उसी को ध्यान, लेकिन मैडम ऐसा नहीं है। किसी के पाँव में सूजन हो जाता है, किसी को आंख में आ रहा है जैसे सफेद मोतिया होता है आंख में ऐसे आ रहा है, किसी को आंख में सूजन है, किसी को अगर ज्यादा पे सूजन आ जाएगा, अलग अलग सिम्टम अलग अलग गाय के है। पशु को बुखार भी आ जाता है? बिल्कुल जी, जिसको मैडम अगर तो बुखार ज्यादा आया, देखने में ये आ रहा है जिस पशु को ज्यादा बुखार है, हर पाँव में सूजन है, खाना छोड़ रहा है, उसके बचने का उम्मीद कम हो रहा है, बाकी जिसको गांठ है बुखार है वो लगभग ठीक हो रहा है। अब ये बताइए, कोई पशु रोग से ग्रसित है तो आप फिर किस तरीके से उसका उपचार कर रहे हैं? जैसे देखा जाए तो किसी के पास इसका कोई सटीक इलाज नहीं है, फिर हमने भी मैंने इनको जैसे किसी को बुखार है उसको बुखार का दवाई दीजिए, किसी को सूजन है उसको सूजन का दवाई दीजिए, तो आंख में है उसको आंख के लिए ट्रीटमेंट कीजिए। ये सभी का ट्रीटमेंट अलग अलग है, एक ही ट्रीटमेंट नहीं हम कर सकते मैडम। वैसे तो सभी बोलते हैं कि इनको अलग कर दीजिए, लेकिन मैडम एक डेयरी फार्मर के लिए, बड़े फार्म के लिए इन संक्रामक पशु को अलग करना एक मुश्किल काम है। पहले हमें मैं थोड़े पशु थे उनको तो अलग कर लिया, लेकिन जब ज्यादा को आगे फिर अलग नहीं कर सके, जो संक्रामक को बढ़ने से रोकते हैं वो स्प्रे कर रहे हैं फार्म पे कि दूसरों पशु को ना हो, अपने मक्खी मच्छर का प्रबंधन अच्छी तरह से कर रहे हैं, मक्खी मच्छर ना आए, एक बरसात का मौसम है, इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना है, पानी ना बिल्कुल कहीं खड़ा हो, मच्छर ना पनपे। इनके भोजन की क्या व्यवस्था है जो रोग से ग्रसित है? अगर ये ठीक से खा रहा है तो ज्यादा परेशानी नहीं है, पशु खाना छोड़ रहा है ना फिर दिक्कत आ रही है, तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। खान पान है, गर्मी का मौसम है,
जब स्ट्रेस ज्यादा होता है कम खाते हैं, जब कम खाएंगे इनका इम्यूनिटी डाउन जाएगा। इम्यूनिटी पे ही ध्यान रखने का जरूरत है। बीच में मेरे पास 70 पशु हैं, 20 पशु को होगा, बाकी 50 का कुछ नहीं हुआ, वो बीच में लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या, उनका इम्यूनिटी ठीक था, उनको कोई वैक्सीन नहीं हुआ। जिनका इम्यूनिटी ठीक है उनको बीमारी नहीं आया। जितेंद्र जी, एक बात और आपसे समझना चाहूंगी, जब आपके पास में इतने पशु हैं और डेयरी फार्म है और कुछ संक्रामक हो भी चुके हैं, कोई अनहोनी तो नहीं हुई है? मैम, मेरे 2 पशु की मृत्यु हुई है। जैसे मैंने पहले बोला कि जो पशु खाना छोड़ देता है ना, उस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उसी टाइम ध्यान दीजिए। अगर आप थोड़ा दिन भी 1-2 दिन देखते रहे भी ये खाना नहीं खा रहा है, इसको ट्रीट बाद में देखते हैं, तो वो मुश्किल में हो जाएगा। बाद में खाना नहीं छोड़ना चाहिए पशु, कैसे भी खिलाएं जैसे भी है, उनका इम्यूनिटी बना रहे, उनका जो एनर्जी बना रही। मैं संक्रामक पशुओं के साथ थोड़ा तो है ही, एक का दूसरे को जैसे सलाइवा है, सलाइवा एक का दूसरे को ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखें भी जहां बन रहा है, पशु तो काफी हैं, लेकिन जो संक्रामित हो गए उनको बांध दिया हमने, दूसरी जगह ना जाए, उनका सलाइवा दूसरी जगह ना गिरे। उस कहने को बात है, फार्म लाइफ से ज्यादा दूरी नहीं बना सकते हम, बस यही उनको बांध के रखा है सभी में ना चलते फिरते ना रहे। जतेंद्र पाल सिंह जी, सुझाव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक और पशुपालक किसान मित्र से जुड़ते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं विनोद, जिला जींद हरियाणा से। मेरे पास जी 5 पशु हैं। विनोद जी, आजकल पशुओं को लेकर एक चिंता बनी हुई है कि एक संक्रामक रोग लंपी वो पशुओं में फैल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? लंपी रोग काफी भयानक रोग है। जैसे कुछ टाइम पहले हमने इंसानों में देखा था कि ये अपना एक बीमारी आ गई थी, तो ये उसी टाइप का संक्रामक रोग है जो एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है, कोरोना की तरह ही, और काफी गंभीर बीमारी है। इसमें पशु को और किसान को दोनों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है अगर ये बीमारी आ जाती है तो। देखिए, पहले तो हम अपना बचाव ही कर सकते हैं, कभी अभी तो कोई इलाज ऐसे पक्का इलाज है नहीं, कुछ टीकाकरण है वो भी एक ट्रायल बेस पे ही लगा लीजिए। तो इसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं? ये एक जैसे वायरस का रोग है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पशुओं की साफ सफाई का काफी ध्यान देंगे। फिटकड़ी के पानी में हम अपने पशु को हफ्ते में 10 दिन में एक बार अगर नहला दें, तो उससे काफी हद तक पशु में इस वायरस का बचाव हो जाता है। फिटकड़ी क्या होता है, फिटकड़ी वायरस को खत्म करता है। और जैसे अपने थान होते हैं, पशुओं का थान है, उसमें लाल दवाई का छिड़काव करते रहते हैं टाइम टाइम पे, तो वो भी हमारे ये काफी बेनिफिट होता है। पशुओं का जो चारा होता है पे भी हमें काफी ध्यान देना पड़ेगा कि वो भी हमारा साफ हो, ज्यादा बासी या पुराना चारा ना हो। इसके जो लक्षण है, एक तो पशु को बुखार आता है, उसके सिर में बुखार आता है इसका, पशु जुगाली करना बंद कर देता है, पशु के शरीर पर जैसे हमारे शरीर पर जैसे जलने के बाद फफोला हो जाता है, उसमें पानी बनता है, उस टाइप के फफोले पशु के शरीर पर आ जाते हैं, लार डालने शुरू कर देता है, जुगाली नहीं करता, बुखार आ जाता है। तो यही उसके मेन जो लक्षण है, यही उसके लक्षण है बीमारी के। जो बीमार पशु है, सबसे पहले तो हमें उसका रख रखाव, हमारे पशु ठीक है उनसे अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि एक संक्रामक रोग है, ये उड़ के जा सकता है, दूसरे पशुओं को भी नुकसान कर सकता है। जो बीमार पशु है उसको अलग रखें, उसकी साफ सफाई का ध्यान दें, और चद्दर वगैरह जो होती है वो हम बीच में लटका के उस पे फिटकड़ी का या लाल दवाई का स्प्रे कर देंगे। उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया जो संक्रमण होता है वो उड़ के दूसरे पशु तक ना जाएगा, जो बीच में जो हमने पार्टीशन कर दिया वो वहीं पे दम तोड़ देगा। जब तक देखो बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक पशु को हमें अलग ही रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे कोरोना थी उसके लिए भी हमारा आयुर्वेद है जो वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो कोई देसी इलाज भी है? हाँ, देसी इलाज एक दो किसान ने जैसे किया है, काफी एक दो कहने काफी ने ट्राई किया है और उनके अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो उसके लिए हमें हल्दी, आंवला, काला जीरी, सनाए की पत्ती, इन 4 ग्रेडिएंट को समान मात्रा में लेके, बराबर की मात्रा में लेके इनका पाउडर करके सुबह और शाम पशु को अगर हम 50 ग्राम पाउडर खिलाते हैं तो इसका काफी अच्छा रिजल्ट है। आंवला हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इसमें विटामिन सी काफी मात्रा में होता है। जो हल्दी है, हल्दी एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल होती है, तो ये दोनों ग्रेडिएंट ऐसे हैं जब तक बीमारी नहीं आती हम सिर्फ आंवला और हल्दी से ही इसको काफी हद तक रोक के रख सकते हैं। और इसके साथ हमें क्या करना है, हफ्ता 10 दिन में हम अगर फिटकड़ी, आधा किलो फिटकड़ी लेके उसको 20 लीटर पानी में घोल बना के अपने पशु को कपड़े से पोछा लगा के या पशु पे पानी उसका डाल के, उससे भी हम अपने पशु का बचाव कर सकते हैं जहाँ बीमारी नहीं है। ये ही कंट्रोल काफी फायदा करेगा हमें। विनोद जी, फसल के रंग किसान के संग में लंपी रोग के बारे में आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक और किसान साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस रोग के बारे में बात करना चाहते हैं। नमस्कार। योगेश जैन, रगतशील किसान, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। जी, लंपी समय खासकर राजस्थान हरियाणा में ज्यादा है और इसके फैलने की संभावना देश में भी है।
जो गोवंश में होने वाला वायरस है, खासकर गर्भवती गाय जो होती है उसमें गर्भपात की संभावना ज्यादा होती है। तो लंपी रोग बढ़ने से पशु के नाक में और मुंह से मवाद आने लगती है, बदबूदार स्राव आता है। पहले से ही अगर हम सुरक्षा करेंगे तो बचाव अगर होगा तो उसमें जैसे कहीं कहीं पानी ठहरा हुआ भरा हुआ होता है उसमें लाल दवा का छिड़काव करें और मच्छर मक्खी को भगाएं। गौशालाओं में दीवार में चूने की पुताई करें, दीवार में सांसें हों जिनमें कीड़े जा सकते हैं, भर सकते हैं, दरार हों उनको चूना से भर दें और बाहर से आने वाले पशु 15 दिन दूर रखें, उसकी जांच कराने के बाद ही दूसरे पशुओं में शामिल करें। रोग अगर किसी पशु को हो भी जाता है उसके स्किन में चमड़ी में जैसे गांठे घाव दिखने लगे उसको अन्य पशुओं से अलग बांधें और रोगी के पशु के संपर्क में अगर कोई डॉक्टर है या इलाज करने वाला जाता है तो अपना हाथ साबुन से जरूर धोए, सैनिटाइज करें। और हमारे यहाँ तो अभी हमारी बैठक हुई थी हमारे जिलाधिकारी चित्रकूट के साथ, उन्होंने कहा था कि अपने यहाँ तो नहीं फैला पर हम टीका जरूर मंगा रहे हैं कि टीका लगा देंगे इसका, और राज्य सरकार से टीका आने वाला भी है और टीका लग जाने के बाद इस रोग की फैलने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो हम लोगों ने तो ये उपाय किए हैं, देखिए अपने स्तर से तो टीकाकरण हमारे यहाँ सितंबर से चालू हो जाना है, उसका वैक्सीन आ रही है। पशु कितने दिन में स्वस्थ हो सकता है इससे? पशु अगर ठीक ठाक इलाज हुआ तो करीब महीने भर तो लग ही जाते हैं इस रोग में। इतना ज्यादा घबराने की किसानों की जरूरत नहीं है, ये लाइलाज नहीं है, इलाज है इसका भी। और इस समय जब ये रोग फैला हुआ है तो किसान को तो नए पशु लाने से तो बिल्कुल परहेज करना चाहिए। योगेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं संध्या फसल के रंग किसान के संघ का यह अंक यहीं संपन्न करती हूँ, अनुमति दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फसल के रंग किसान के संघ के अंतर्गत पशुओं में लंपी स्किन रोग के बारे में जागरूक किसान और पशुपालकों से बातचीत, और उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत के जरिए आपको बहुत सारी बातें ऐसी पता चली होंगी जिससे कि आपके बहुत सारे भ्रम भी दूर हुए होंगे, और अगर आपके पशुओं में इस बीमारी को लेकर कोई भी लक्षण है तो आप सतर्क भी हो सकते हैं और कुछ दिनों में इसकी वैक्सीन भी आने वाली है। अरविंद जी हाँ, और साथ ही हमारे जो किसान मित्र हैं, हमारे किसान भाई, उन्होंने और जो महिला किसान हैं उन्होंने बताया किस तरह से देखभाल कर रही हैं और कैसे आप और बेहतर देखभाल कर सकते हैं और अपने पशुओं को इस बीमारी से बचा सकते हैं। भूमि पुत्रोहम पृथ्वया, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस पवित्र रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्राकृतिक कृषि के 5 प्रमुख अंग हैं: विविध प्रकार की मिश्रित फसलें, जीवामृत, बीजामृत एवं घन जीवामृत जैसे आदान जो हमारी देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के उत्पाद हैं, आच्छादन या मल्चिंग, मिट्टी में जैव विविधता के संचालन हेतु उचित वायु व नमी, पौध संरक्षण हेतु विभिन्न पौधों के अर्क जैसे नीमास्त्र, दशपर्णी अर्क, नीम अर्क इत्यादि। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प लें, दुनिया को स्वस्थ धरती स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने। प्राकृतिक खेती से लाभ। प्राकृतिक कृषि अपनाने से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, बाजार में प्राकृतिक उत्पादनों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी तथा सभी के लिए रसायन अवशेष मुक्त खाद मिलता है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है तथा भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है, मिट्टी में खाद्य पदार्थ और जीवन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है।
केंद्र व राज्य सरकारों के प्रयास में प्राकृतिक कृषि को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। देश के कई गांव प्राकृतिक कृषि को अपना रहे हैं क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा है जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज्यादा आता था, पैसा भी ज्यादा लगता था और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने से फसल की उपज में बढ़ोतरी हुई है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, धरती माता सुखी है। उसे लगता है कि किसान ने बेहतर तरीके से उसका ध्यान रखा है और उसके लिए उसे अच्छा भोजन और अच्छी उपज लौटानी चाहिए। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था, अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिम्पटम बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियां, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छीटा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने सब करे, जब इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को, उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय देसी गाय का गोबर गौंतर से हम तैयार करते हैं उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे, बाकी स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गाँव गाँव में समृद्धि और बना रहे हैं आधुनिक आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं और चखम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम जो है लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर, लेकिन अभी उसमें कुछ समय बचा है तो क्यों ना आइए एक लोकगीत पेश किया जाए। We'll be right back.
पे आना जाना छोड़िया, राजा ने बोलना छोड़िया, मन तालो पे आना जाना छोड़िया, हेरी मेरे अरे हेरी मेरे काले सड़कों पे आना जाना छोड़िया, हेरी मेरे अरे हेरी मेरे अरे हेरी मेरे काले री हुसन पे राजा ने बोलना छोड़िया, हेरी मेरे काले री हुसन पे राजा ने बोलना छोड़िया। सौ दशमलव एक मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम जो है वो अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ आ चुका है। तो फिलहाल मुझे यानी कोमल और अरविंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।